में है और यहाँ पर 7 मार्च को चुनाव होने वाला है और आखिरी चरण का चुनाव है। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार और सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप जी हैं और यहाँ पर चुनाव कवरेज करने के लिए आए हुए थे। सबसे पहले हम यहाँ जानना चाहेंगे मनीष जी से कि यहाँ की समस्या जो आपने कवर किया है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्या है, आप ये बताएं। अब पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी जी। बेरोजगारी दूर होनी चाहिए और यहाँ का शहर का समस्या जो है ना जी, वो सड़क यहाँ का सही नहीं है, तो सड़क सही होना चाहिए और किसी भी जिला हेडक्वार्टर से उसके राज्य की राजधानी में जाने का कम से कम 4 लेन रोड होना चाहिए। जैसे गाजीपुर जिला का जिला हेडक्वार्टर गाजीपुर है और यहाँ से सीधे डायरेक्ट 4 लेन रोड जो है लखनऊ तक होना चाहिए। हालांकि 4 लेन एक रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है और बहुत हाई क्वालिटी का बना है, लेकिन शहर के अंदर का रोड जो है ना वो सही नहीं है, तो शहर के अंदर का रोड का व्यवस्था होना चाहिए। मनीष जी, यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या है, अभी बच्चे भी कह रहे थे, मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो 5 साल से लगभग 4 साल से यहाँ पर आर्मी की भर्तियाँ रुकी हुई है। 3 साल से आर्मी की बहाली रुकी हुई है। मैं यहाँ पे गया था मुजफ्फरपुर में आर्मी की बहाली में और वो बहाली जो है ना, मतलब 2 साल पहले मैं अटेंड किया था एज अ न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में, लेकिन वो भी बहाली अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसमें दौड़ हो गया था, कम्प्लीट हो गया था। तो आर्मी की बहाली जो है ना, देखिए हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रवादी सरकार है, लेकिन एक्चुअल में जो है ना 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख आर्मी की संख्या में कटौती की गई है 75 साल में, और उसके खिलाफ जनरल बिपिन रावत थे। बिपिन रावत के साथ क्या हुआ आप लोग जानते हैं, जांच का विषय है, जांच होना चाहिए और मुझे पता है जांच में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रिपोर्ट आएगा कि मौसम खराब था इसीलिए हेलीकॉप्टर गिर गया, जबकि वो दुनिया का सबसे सेफेस्ट हेलीकॉप्टर था। वो ये इसके खिलाफ थे कि आर्मी की संख्या कम किया जाए, वो चाहते थे जनरल बिपिन रावत की आर्मी की संख्या कम से कम 20 लाख किया जाए, क्योंकि चीन में आर्मी की संख्या जो है 20 लाख से ज्यादा है, तो और भारत सरकार चाहती थी कि आर्मी की संख्या जो है 10 लाख किया जाए और अभी आर्मी की संख्या जो है 14 लाख थी, जब से मोदी सरकार आए उसके बाद से 1 लाख संख्या घट गई है। अभी तो राष्ट्रवादी सरकार है, वंदे मातरम भारत माता की जय और जय हिंद बोलते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए, और जो है मतलब कि बाकी अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। चलिए ठीक है मनीष जी, आप चलते चलते 7 मार्च को यहाँ पर चुनाव होने वाला है, आप लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि जो आपके क्षेत्र में लोकल नेता सबसे कम पैसा खर्चा करे, जो भी पार्टी का हो सबसे कम पैसा खर्चा करे उसको जिता दीजिए। ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा ज़्यादा कमाएगा, और ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा लूटेगा, और ज़्यादा लूटेगा तो ज़्यादा बर्बाद जो है ना वो जनता होगा। तो आपके क्षेत्र में सिंपल पैरामीटर है न्यूटन का 3rd लॉ और मनीष कश्यप का 4th नियम, अपना लीजिएगा। ये आपके क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी सबसे कम पैसा खर्चा करेगा, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको जिता दीजिए, देखिए आपके क्षेत्र में विकास हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा उसको जिताइएगा, तो 5 साल फॉर्चूनर का धुआं सूंघना पड़ेगा, याद रखिएगा। धन्यवाद धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।